जयपुर गाड़ी जिसको अब सरयू यमुना एक्सप्रेस कहते हैं, और पहले अमृतसर से इसको फ्लाइंग मेल कहते थे। पता नहीं कब ये फ्लाइंग मेल थी, उड़ती जाती थी। आज तो हम लोगों को इस गाड़ी में बैठे 24 प्लस 8 घंटे हो चुके हैं, और ये गाड़ी अपने समय से 9 घंटे लेट चल रही है। गाड़ी का नाम फ्लाइंग है और ये सरयू यमुना का नाम। मेरी तो एक ही अपील है भारत सरकार से और मोदी जी से कि हमारे ऊपर, आम आदमी पर, जनता पर तरस करो। जब देश की ये गाड़ियां इतनी टूटी फूटी हैं, दरवाजे टूटे हैं, लेटरिन की टूटियां टूटी हैं, सीटें टूटी हैं टॉयलेट की, और तो और एसी के दरवाजे खोलने के लिए भी पूरी ताकत लगवानी पड़ती है। हम लोग आम आदमी अभी जो उस वर्ग से हैं जो एसी 3 की टिकट लेके चल रहे हैं, 24 घंटे में हम लोगों ने इसमें कितनी तकलीफ सही। गाड़ी का रास्ता बदलना पड़ा किसी कारण से, किसी ने कोई जानकारी नहीं दी कि गाड़ी कब चलेगी, क्यों लेट हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं। और जिस गाड़ी में भोजन की, खाने पाने की व्यवस्था नहीं, वहां जब यात्रियों को 10-10 घंटे ज्यादा रहना पड़ेगा, उनकी क्या हालत होगी। भगवान के लिए अभी बुलेट को भूलिए, अभी 120 किलोमीटर या 200 किलोमीटर पर आवर चलने वाली गाड़ी को भूलिए। जो गाड़ियां चल रही हैं उनको तो चलाइए, और किस तरह लोग फुटपाथ पर पड़े हैं, किस तरह लोग रेलवे स्टेशन में वेटिंग रूम ना होने के कारण आज की कड़कती सर्दी में खुले में पड़े हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है पीयूष गोयल जी, मोदी जी। और बार बार हमें टीवी पे सुनाया जाता है कि इस नंबर पर शिकायत करो, इस नंबर पर शिकायत करो। पता नहीं कौन सी शिकायत थी जिसे कहते थे बच्चे के लिए दूध आ गया, बीमार के लिए डॉक्टर आ गया। कल से हम 138 भी घुमा चुके हैं, 139 भी घुमा चुके हैं। पीयूष गोयल जी के मेल पर शिकायतें भी रात को कर चुके हैं, पर है नहीं कोई सुनने वाला। मुझे लगता है वो केवल अखबारी प्रचार रहा,